ओहो नहीं ज्यादा नहीं भगाना, ज्यादा नहीं भगाना। ओए होए गया, बाइक बंद पड़ गई। जो सस्पेंशन हाइट जो नट है हाइट इंक्रीज करने का, ये हम अभी इसमें इंस्टॉल करने वाले। क्या उड़ गई आगे से मस्त एकदम। तो गाइस इट्स अ डे टू, मैं जा रहा हूँ RX 135 का सस्पेंशन हाइट इंक्रीज करने। मैंने केरला से ये स्पेशली हाइट इंक्रीज नट इंपोर्ट करा है। काफी तकलीफ हुई बट फाइनली ये मेरे पास आ चुका है। मेरे हाइट लगभग 6 फीट है। RX 100 और 135 बाइक थोड़ा हाइट में छोटी आती है, तो मेरे हाइट को थोड़ा बहुत मैच करने के लिए मैं आगे से और पीछे से बाइक को उठाने वाला हूँ। और कल के ब्लॉग में जैसे मैंने बताया था कि मैंने अनस्लीव ब्लॉग और स्लीव ब्लॉग पे वीडियो बनाया, अगर आप लोगों ने वो अभी तक देखा नहीं है तो आप इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि स्लीव ब्लॉग कैसे होता है और अनस्लीव ब्लॉग कैसे होता है। तो चलो चलते विजय भाई की तरफ, RX 135 पिक करते हैं और उसके पहले ये जो सस्पेंशन हाइट इंक्रीज जो हमने नट मांगा है उसे भी इंस्टॉल करते हैं और आपको बताते हैं आगे से बाइक कितनी उड़ जाएगी ये नट इंस्टॉल करने के बाद। अभी राजू भाई ऑलरेडी काम शुरू कर दिया सस्पेंशन पे। ये जो सस्पेंशन हाइट जो नट है हाइट इंक्रीज करने का, ये हम अभी इसमें इंस्टॉल करने वाले। एंड लेट्स सी इसके बाद इसका जो हाइट है किस हद तक उठेगा गाड़ी। टायर भी जो लाया था मैंने मैक्सिस का, वो चेंज हो गया और ये जो मिशलिन का टायर है इधर पड़ा हुआ है। मिशलिन के जो ऊपर का नट और ये नीचे का नट लूज करके अभी उसको नीचे लेंगे हम और सस्पेंशन खोल के उसके ऊपर नट हम बैठेंगे बड़ा वाला। तो ये जो अभी गैप है इतने साइज का, वो इतना हो जाएगा, मतलब हाथ से भी बड़ा, यहाँ तक पहुँचेगा वो लाइक दिस। अल लेवल परफेक्ट दे रबर लॉन्ग मस्त टाइट मारो। साइज देखो, पहले इतना था अभी इतना हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको चढ़ाना है, अभी सस्पेंशन नीचे आ गए हाइट बढ़ने की वजह से। अभी राजू गाड़ी वाकवा लागेल जबरदस्त आपल्याला। स्टँडच्या खाली तुला ड्रम ठेवायला लागणार आहे। क्या लग रहा है देखो, व्हाट यू थिंक वाकू, लेट्स सी। वाकवायची पण आहे आणि टायर पण लावायचं आहे, व्हिडिओ पण बनवायचा आहे, सगळं करायचं। ठो नक्की कुछ तो लोचा है जी, हाइट बढ़ गया है जी। क्या बात है, स्टैंड फूट गया है जी, स्टैंड को बढ़ाना है जी। खाचत एक लीटर का पूरा बॉटल है, हम आधा डाल रहे हैं, आधा लीटर। मैंने ऑलरेडी पाउच डाला है उसमें 5, बट डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे, तू डाल।
पिस्टन को अच्छा सेहतमंद ऑयल चाहिए, ताकत आनी चाहिए भाई, बॉडीगार्ड होना चाहिए। The next step. एक शॉर्ट स्पिन मार के देखते हैं क्या बात है। बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉगिंग। वहां से पूरा रास्ता बंद कर दिया है तो उल्टी साइड से जाना पड़ेगा। वैसे नया रोड बन रहा है तो कोई इशू नहीं उल्टे साइड से भी गए तो, क्योंकि अभी तक किसी को मालूम नहीं है रोड। ओहो, गियर अटक गया, क्लच अटक गया। दैट पिकअप भाई साहब, ओहो नहीं, ज्यादा नहीं भगाना, ज्यादा नहीं भगाना। ओए ओए, क्या भाग रही है बाइक बॉस भाई। ये सिर्फ 200 किलोमीटर चला है मैंने, लेफ्ट में चले जाता हूँ। जब 2-3 हजार किलोमीटर हो जाएगा तो सोचो कि बाइक कैसी भागेगी भाई। शाबाश, RX 135 का परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे। ओए भाई, 90 तक पहुंच गया, बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, गया। बाइक बंद पड़ गई, चालू हो गई। ज़्यादा ओवर पिस्टन को खींच दिया है मैंने भाई साहब, बहुत गंदा आवाज आया कर। तो भाई साहब अभी नहीं खींचना है, ये गलत किया है मैंने एक्चुअली, बट क्या करूँ, यामा RX यार, खून में उबाल आ ही जाता है। 50-60 के ऊपर चलाना नहीं है, इसी स्पीड से चलाओ, क्योंकि पिस्टन नया है, ब्लॉक नया मारा हुआ है। बाकी जो आगे से उठ गई है बाइक जबरदस्त। तो चलो घर पे चलते हैं पहले, और आपको बाकी का सारा डिटेल्स देते हैं, और आगे से बाइक एक्चुअली लग कैसे रही है मैं वो भी डिटेल देता हूँ आपको। छोटा स्पिन मार के आ गए और मज़ा आ गया बॉस। अभी धीरे धीरे जो मेरा असली ब्लॉक है वो भी पिकअप लेना स्टार्ट कर दिया है, और एक कुछ हज़ार किलोमीटर्स और बाइक फुल परफॉर्मेंस में आ जाएगी। रही बात हाइट एक्सटेंशन की, लुक एट द व्यू बॉस, क्या लग रही है बाइक, क्या उड़ गई आगे से, मस्त एकदम ज़बरदस्त। ये जो मॉडिफिकेशन जो मैंने किया है हाइट एक्सटेंशन का, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और जो मुझे जो लुक चाहिए था ये बाइक के लिए वो काफ़ी हद तक अभी दिखने लगा है। ये HD हेडलाइट और आगे से उठी हुई बाइक, ये RX 135 वन ऑफ अ काइंड बनने वाली है। और अभी रही बात पीछे की, पुराने जो कस्टमर है उसने CBZ का ये सस्पेंशन लगाया है, तो उसको निकाल के फेंकना है। मैं सोच रहा हूँ येलो कलर का सस्पेंशन लगाओ, जो एक YouTube चैनल में मैंने स्पीडी लियो जो भाई है मेरे, उसने लगाया है, वैसा कुछ लगाओ, या फिर जो TVS का जो गैब्रियल का जो आता है रेड और वाइट में समथिंग, तो वैसा कुछ लगाओ। आप सजेस्ट करके बताओ कि पीछे सस्पेंशन कौन सा लगेगा। RX-Z का मीटर डालना है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी डालूंगा मैं। पीछे का सस्पेंशन अपग्रेड करना है, डिस्क ब्रेक आने वाला है, डिस्क ब्रेक में अभी तक डिसाइड नहीं किया, सोच रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। जब मैं डिज़ाइन फाइनल कर दूंगा तब मैं पूरा सेटअप इसका लिख के आ जाऊँगा, और उसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा पूरा। गाइज, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आगे जाके काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन वीडियोज आने वाले हैं, कुछ एक राइड्स भी करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोको और सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल द टाइम स्टे ट्यून, बाय बाय।